गाइस, आज का वीडियो मैं अपने रूम से ही कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपने ग्रिल के यहाँ से ही वीडियो शूट कर रही हूँ। और सामने ड्रेन है और ड्रेन और मेरे इस वॉल में थोड़ा सा डिस्टेंस है। यहाँ पर ही मेरे फादर ने छोटे छोटे सब्जी के पौधे लगाए हुए हैं। और ये देखिए, टमाटो का पौधा है, इसमें टमाटो भी लग गया है। और तित करेला के पौधे में तित करेला भी लगना स्टार्ट हो गया है। किस तरह से मेरे पापा ने इतनी छोटी सी जगह को कैसा यूटिलाइज़ किया है, आई होप आपको मेरा फर्स्ट वीडियो देख के कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। और अब आज का वीडियो देखकर भी आपको सीखने का मिलेगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और आज का वीडियो आप स्किप ना करिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज के वीडियो में। मेरे पापा ने पुराना टेक्निक यूज़ किया है, तित करेले के पौधे को रस्सी की हेल्प से ऊपर उठा रहे हैं। तो ये मैं आपको आगे के वीडियो में दिखाती रहूँगी, आप बने रहिए मेरे साथ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। आप लोग ने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा था, अगर नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी, जाके वहां देख लेना। तो मैं उसमें दिखाया था मेरे पापा का एक छोटा सा गार्डन है, तो आज मैं आपको वही फिर से दिखाने वाली हूँ। क्योंकि वो गार्डन में जो कुछ पौधे लगाए थे वो सब अभी निकाल दिए मेरे पापा ने पूरा, अलग के नए नए पौधे लगाना स्टार्ट कर दिए सब्जी का। तो आप लोग भी देखिए और कैसे यूज़ करिए अपने छोटे से जगह को, आज फिर से देख लीजिए। चलिए मैं आप लोगों को अपने साथ ले चलती हूँ ऊपर में। ऊपर मतलब एकदम ऊपर नहीं, मतलब फर्स्ट फ्लोर में लेके चलती हूँ। आप भी मेरे साथ ऊपर चलते हैं, ऊपर मतलब फर्स्ट फ्लोर। ये देखिए मैं भी आ गई ऊपर, और अभी हमारा लुक पूरा चेंज हो गया है। पूरा सेम का पौधा मेरे पापा ने काट दिया है और यहाँ पर जमा के सब रखा हुआ है। ये मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि मैंने बोला पापा को, पापा मेरे को इसमें एक ब्लॉग बनाना है, तो आप इसको मत फेंक के मैं दिखाऊंगी। और ये देखिए टमाटर के पौधे भी बड़ा हो गया है, और तित करेला का तो देखा ही आपने, तित करेला पेड़ भी ऊपर धीरे धीरे आ रहा है। और ये मिर्ची का पेड़ बहुत छोटा है, अभी तक इसमें मिर्ची नहीं लगाया हुआ है। और हम लोग ने बहुत सारा टमाटर खा भी लिया है तोड़ के, क्योंकि वो थोड़ा ना थोड़ा पकता रहता है। और ये मिर्ची का पेड़ में मिर्ची भी बहुत लग गई है। मेरे फर्स्ट ब्लॉग में आप लोग देखा था, ये बहुत छोटा था तब इसमें मिर्ची नहीं लगा हुआ था, अब इसमें मिर्ची आ गया है। और ये पानी लौका है, पर ये अभी बड़ा हो रहा है, पर इसमें फूल तो दिखाया था मैंने आपको अपने एक ब्लॉग में, बट इसमें फूल लगता है, गिरता है, पर पानी लौक नहीं आता। और ये भी आपने देखा था नयनतारा का पौधा, इसमें अभी कितने सारे फूल आ गए। और ये सीम का बिछी है, जिसे बहुत टेस्टी दाल बनता है। इसका रेसिपी आप लोग के साथ मैं एक दिन शेयर करूँगी, ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और ये है मेरा ओवरलुक मेरा छत का। लोग ने देख ही लिया मेरे पापा का छोटा सा गार्डन का क्या हाल हुआ है, और कौन कौन सा सब्जी का पौधा फिर से आ रहा है नया नया। तो आप लोग मुझे पापा को कुछ सजेशन देना है तो पक्का दीजिए सजेशन, कि अब इस समय कौन सा लगता है सब्जी। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। मिलती हुई नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय, टेक केयर।